1977 को राज बब्बर की पहली मूवी आई किस्सा कुर्सी का और ये मूवी फ्लॉप रही। 1980 में इनकी दूसरी मूवी आई आप तो ऐसे ना थे और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी तीसरी मूवी आई जज्बात और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नजराना प्यार का और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई साजन मेरे मैं साजन की और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई ज्वालामुखी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई हम पांच और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इंसाफ का तराजू और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई 100 दिन सास के और ये मूवी सेमी हिट रही। 1981 में राज बब्बर की मूवी आई प्रेम गीत और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई आपस की बात और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई अरमान और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई पूनम और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई ये रिश्ता ना टूटे और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई कलयुग और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई उमराव जान और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई राज और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई शारदा और ये मूवी हिट रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई तजुर्बा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1982 में राज बब्बर की मूवी आई दूल्हा बिकता है और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल राज बब्बर की मूवी आई निकाह और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई लक्ष्मी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीवन धारा और ये मूवी हिट रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई दौलत और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई भीगी पलके और ये मूवी सेमी हिट रही। 1983 में राज बब्बर की मूवी आई पांचवी मंजिल और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई मैं आवारा हूँ और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेहंदी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रोमांस और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई मजदूर और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई अच्छा बुरा और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई अगर तुम ना होते और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नौकर बीबी का और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अर्पण और ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कालका और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रिश्ता कागज का और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई गहरी चोट और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1984 में राज बब्बर की मूवी आई हम दो हमारे दो और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई पेट प्यार और पाप और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई इम्तिहान और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई आनंद और आनंद और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शपथ और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शीशे का घर और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राज बब्बर की मूवी आई आज की आवाज और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई माटी मांगे खून और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीने नहीं दूंगा और ये मूवी हिट रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई कानून मेरी मुट्ठी में और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 1985 में राज बब्बर की मूवी आई दुर्गा और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई एक चिट्ठी प्यार भरी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हकीकत और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सलमा और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई यार कसम और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई झूठी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेरे घर मेरे बच्चे और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई महाशक्तिमान और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राज बब्बर की मूवी आई लावा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एतबार और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई त्रिवेणी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई रसोई और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई उल्टा सीधा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जवाब और ये मूवी फ्लॉप रही। 1986 में राज बब्बर की मूवी आई बात बन जाए और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई अंगारे और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तीसरा किनारा
और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई दहलीज और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई मिर्च मसाला और ये मूवी फ्लॉप करवा डाला। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई इंसाफ की आवाज और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई सुहागन और ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई किराएदार और ये मूवी फ्लॉप रही। 1987 में राज बब्बर की मूवी आई आज और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मुकद्दर का फैसला और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अंधा युद्ध और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आवाम और भाई साहब ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई जान हथेली पर और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई संसार और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इंसानियत के दुश्मन और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। 1988 में राज बब्बर की मूवी आई लिबास और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई साजिश और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जख्मी औरत और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कन्वर लाल और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई महावीरा और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कब्जा और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल राज बब्बर की मूवी आई आकर्षण और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पांच फौलादी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राज बब्बर की मूवी आई रामा ओ रामा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई गंगा तेरे देश में और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेरा मुकद्दर और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई औरत तेरी यही कहानी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई विजय और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वारिस और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हम फरिश्ते नहीं और ये मूवी फ्लॉप रही। 1989 में राज बब्बर की मूवी आई आखिरी गुलाम और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हम भी इंसान हैं और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई जयजात और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई ममता की छाव में और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मोहब्बत का पैगाम और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई हिसाब खून का और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई पराया घर और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई तौहीन और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई दो यार और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आसमान से ऊंचा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई सूर्या और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई महादेव और ये मूवी हिट रही। 1990 में राज बब्बर की मूवी आई अग्निकाल और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई घायल और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे दोस्तों ये मूवी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई अंधेरी गर्दी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई कानून की जंजीर और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शेरा शमशेरा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राज बब्बर की मूवी आई आज के शहंशाह और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई षड्यंत्र और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अमीरी गरीबी और ये मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों राज बब्बर की फिल्मों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। 1991 में राज बब्बर की मूवी आई स्वर्ग जैसा घर और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई गुनहगार कौन और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई धर्म संकट और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कसम काली की और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई इंस्पेक्टर किरण और ये मूवी फ्लॉप रही। 1992 में राज बब्बर की मूवी आई आज का गुंडा राज और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वक्त का बादशाह और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कल की आवाज और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कर्मयुद्ध और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1993 में राज बब्बर की मूवी आई आंखें और भाई साहब ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल राज बब्बर की मूवी आई साधना और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई औलाद के दुश्मन और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई बड़ी बहन और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई गर्दिश और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रुदाली और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दलाल और ये मूवी सुपर हिट
हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई माया मेम शहाब और ये मूवी फ्लॉप रही। 1994 में राज बब्बर की मूवी आई अंदाज और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दो फंटूस और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई रखवाले और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई जन्म से पहले और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई सबूत मांगता है कानून और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई मिस्टर आजाद और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1995 में राज बब्बर की मूवी आई फौजी और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई सरद और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई गैम्बलर और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई याराना और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गॉड एंड गन और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई बरसात और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। 1996 में राज बब्बर की मूवी आई गहरा राज और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हुक्मनामा और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई माहिर और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई मजेदार और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई सौतेला भाई और ये मूवी फ्लॉप रही। 1997 में राज बब्बर की मूवी आई कहर और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई इतिहास और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। हालांकि दोस्तों ये मूवी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई गुंडागर्दी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गुप्त और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जिद्दी और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। 1998 में राज बब्बर की मूवी आई प्रेम आंगन और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई महाराजा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1999 में राज बब्बर की मूवी आई दाग और ये मूवी हिट रही। साल 2000 में राज बब्बर की मूवी आई आखिर कौन थी वो और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई आज का नन्हा फरिश्ता और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई बागी और ये मूवी फ्लॉप रही। 2001 में राज बब्बर की मूवी आई छुपा रुस्तम और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई खतरों के खिलाड़ी और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एक और जंग और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई सेंसर और ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इंडियन और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 2002 में राज बब्बर की मूवी आई भगत सिंह और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई जानी दुश्मन और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल राज बब्बर की मूवी आई क्या दिल ने कहा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2003 में इनकी मूवी आई काश आप हमारे होते और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई एलओसी कारगिल और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तलाश और ये मूवी फ्लॉप रही। 2004 में राज बब्बर की मूवी आई शिकार और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई पुलिस फोर्स और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सीन और ये मूवी डिजास्टर रही। 2005 में राज बब्बर की मूवी आई बंटी और बबली और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। 2006 में राज बब्बर की मूवी आई कॉर्पोरेट और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई बनारस और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हसीना और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई भूत अंकल और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2007 में राज बब्बर की मूवी आई आपका सुरूर और ये मूवी एवरेज रही। 2008 में राज बब्बर की मूवी आई फैशन और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई कर्ज और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद राज बब्बर की मूवी आई खुशबू और ये मूवी डिजास्टर रही। 2011 में राज बब्बर की मूवी आई बॉडीगार्ड और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई फोर्स और ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2012 में राज बब्बर की मूवी आई खिलाड़ी 786 और ये मूवी एवरेज रही। 2013 में राज बब्बर की मूवी आई साहेब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई रब्बा मैं क्या करूं और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई धुआं और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई बुलेट राजा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2015 में इनकी मूवी आई तेवर और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। हालांकि दोस्तों ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। 2016 में राज बब्बर की मूवी आई दिल तो है दीवाना और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई फोर्स 2 और ये मूवी फ्लॉप रही। 2018 में इनकी मूवी आई इश्किया और ये मूवी डिजास्टर रही।
2021 में इनकी मूवी आई बंटी और बबली 2। भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। दोस्तों ये वीडियो वैभव जी के फरमाइश पर बनाया गया है। तो दोस्तों यह था राज बब्बर का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको बॉलीवुड की A to Z सारी खबरें मिलती रहती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।